उत्तर भारत में कैंसर के बहुत से मरीज एडवांस स्टेज आने पर ही इलाज के लिए चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। गरीबी, सुविधाओं का अभाव व जागरूकता की कमी के कारण ऐसा होता है। ऐसे में कैंसर की बढ़ी हुई बीमारी वाले मरीजों का इलाज गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो और उन्हें राहत मिले, इसके लिए ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी 2022 का आयोजन किया गया है। यह कहना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टर आकाश अग्रवाल का। उन्होंने बताया कि इस वार्षिक सम्मेलन में पूरे भारत से करीब 300 कैंसर विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान विशेषज्ञों ने एडवांस स्टेज के कैंसर पीड़ितों की भी जिंदगी मिले इसके इलाज की तकनीकी और जानकारियों को साझा किया। डॉक्टर आकाश के मुताबिक जब कैंसर की बीमारी विकराल रूप ले लेती है तब मरीज चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, जिसके कारण मरीज का इलाज करना और उसको बीमारी से निजात दिलाने में समय लगता है और खतरा भी ज्यादा रहता है। विशेषकर कैंसर की बीमारी में यह कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है जिससे बढ़ी हुई कैंसर की बीमारी के इलाज में कैंसर विशेषज्ञ एक साथ आएं और इलाज की उच्च तकनीकों का इस्तेमाल कर मरीज को राहत पहुंचाएं। इस वार्षिक कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत से आए विशेषज्ञों में कैंसर सर्जन, कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट आदि शामिल रहे। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम लोग इसका एक मिड टर्म मीटिंग कर रहे हैं, एनुअल मीटिंग, इसमें हम लोग एकत्र हुए हैं। पूरे भारत से कैंसर विशेषज्ञ आए हैं और अलग अनेक विधाओं के कैंसर विशेषज्ञ आए हैं, जैसे कि कैंसर सर्जन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडियोथेरेपिस्ट, संग ही संग पैथोलॉजिस्ट और इमेजिंग के डॉक्टर जो कि रेडियो डायग्नोसिस के डॉक्टर्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट और न्यूक्लियर मेडिसिन भी। तो इसमें हम लोग जो है इस सभी विधाओं के डॉक्टर जो कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, उन सबका एक साथ यहाँ पे एक आयोजन किया गया, जिसमें सब लोग आके और पेशेंट्स के जो भी कैंसर के ट्रीटमेंट है उनके बारे में जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसके लिए एक जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज करी। आजकल जैसा अभी आप बता रहे थे सर कि जब आपके पास मरीज पहुंचते हैं या और डॉक्टरों के पास मरीज पहुंचते हैं तो वो जिस बीमारी को लेकर पहुंचते हैं वो काफ़ी विलम्ब हो चुका होता है, काफ़ी एडवांस स्टेज में होती है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो आपने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है और ख़ासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में जहाँ पे गरीबी है और थोड़ा क्या कहते हैं लिटरेसी की कमी है, वहाँ पे हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं उनकी बीमारी जो होती है वो बढ़ी हुई स्थिति में होती है और शुरुआती समय में नहीं पकड़ में आती है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने जो इस कॉन्फ्रेंस का थीम रखा है वो मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट ऑफ एडवांस कैंसर्स रखा है, कि जो पेशेंट्स की बीमारी बढ़ी हुई है उसमें कैसे सारे कैंसर विशेषज्ञ एक साथ आके मिले और इसके बारे में इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान करें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है।